ये बात है साल 2015 की, जब जी थॉमसन शिप को उसकी डेली रूटीन स्टडी करने के लिए पैसिफिक ओशियन में भेजा जाता है। अभी तक तो सब नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच उन्हें कोस्ट से 80 किलोमीटर दूर एक खराब रिपोर्ट मिलती है। जहाज के कैप्टन शिप को बीच समुद्र में रोकने का फैसला करते हैं, जहाँ पर इस शिप को रोका गया था। इसी बीच इस शिप में लगे साउंड डिटेक्टर्स ओशियन बिट्स में कुछ बबल्स को खोज निकालते हैं। पहले तो रिसर्चर्स को लगता है कि ओशियन बिट से निकलने वाले मीथेन बबल्स हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इन मीथेन बबल्स पर डिटेल स्टडी करते हैं। और फिर उन्हें इन बबल्स में मीथेन के अलावा कई ऐसे भी मिनरल्स मिलते हैं जिनका ओशियन में मिलना नामुमकिन है। अब इसीलिए रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा सवाल था कि आखिर ये मिनरल्स सॉल्ट वाटर में आए कहाँ से। अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए शिप में मौजूद ओशियनग्राफी एक्सपर्ट ब्रैंडन फिलिप्स अपनी टीम की मदद से ओशियन में एक रोबोट को भेजते हैं। अभी रोपोस नाम का रोबोट ओशियन वाटर में सी क्यूकम्बर्स, क्रैब्स, स्नेल्स, रॉक फिश, हैग फिश और सी एनिमनीज जैसे काफी रेयर जीवों को पाया। अब इस तरह की जीव ब्लैकिश वाटर में मिलते हैं। अभी ब्लैकिश वाटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर आपस में मिलते हैं, इसीलिए यहाँ का खारापन समुद्र के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। अब ये चीज वैज्ञानिकों को बहुत हैरान कर रही थी, क्योंकि ब्लैकिश वाटर में मिलने वाले ये जीव उन्हें कोस्ट से 80 किलोमीटर दूर बीच समुद्र में मिले थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा और स्टडी करने के बाद इस रोपोस रोबोट की मदद से ओशियन सरफेस से 11 किलोमीटर नीचे अपने सवाल का जवाब खोज लिया। उन्हें वहां पर कुछ होल्स मिलते हैं जिससे बड़ी ही तेजी से फ्रेश वाटर निकल रहा था। उस जगह से निकलने वाले फ्रेश वाटर की वजह से उस जगह का टेम्परेचर आसपास के ओशियन वाटर से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। अब ये फिनोमिना क्योंकि हॉट स्प्रिंग से ज्यादा मेल खाता था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो कोस्ट पर वापस लौट गए। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद कुछ वैज्ञानिकों का इसमें खुद का इंटरेस्ट होने की वजह से 2015 से 2023 के बीच इस जगह पर स्टडी की। जब उन्होंने इस जगह के सैंपल्स और फोटोज को कंप्यूटर सिमुलेशन में डाला, तब उन्हें पता चला कि ये जगह कोई साधारण सी हॉट स्प्रिंग की जगह नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह थी जो कि फ्यूचर में हमें एक ऐसा भी मंजर दिखा सकती है जिससे आज से 324 साल पहले यानी कि सन 1700 में पैसिफिक ओशियन में आए एक भूकंप ने दिखाया था। दरअसल 26 जनवरी साल 1700 को कनाडा के वैनकूवर आइलैंड पर इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। इस भूकंप ने इतनी बड़ी सुनामी क्रिएट कर दी थी कि वैनकूवर आइलैंड के पसीना बे इलाके में मौजूद हर एक घर और इंसान इस सुनामी में बह गया था। जब इस सुनामी का खारा पानी यूएस के ओरेगन और वाशिंगटन स्टेट्स के घोस्ट फॉरेस्ट में पहुंचा, तो वहां मौजूद पेड़ पलक झपकते ही खत्म हो गए और उनकी टहनियां आज तक वहां पर मौजूद हैं। इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसने अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट को तो प्रभावित किया ही था, लेकिन उससे 7340 किलोमीटर दूर जापान में भी इसका असर देखने को मिला था, क्योंकि इस अर्थक्वेक की वजह से जापान में भी 40 मीटर ऊंची सुनामी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इस सुनामी ने जापान में भी 20,000 लोगों की जान ली थी। वैसे जापान में उस समय किसी को भी नहीं पता था कि ये सुनामी किस वजह से जापान में आई, इसीलिए इस सुनामी को द ऑर्फन सुनामी नाम दिया गया। लेकिन ये जो लीकेजेस आज के टाइम पे पैसिफिक ओशियन में देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से साल 1700 का ऑर्फन सुनामी हमें फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन होल से निकलने वाला फ्रेश वाटर खतरनाक अर्थक्वेक को जन्म दे सकता है, जिसके बीच के लिंक को हम स्क्रीन पर दिखने वाले सिंपल एनिमेशन से समझ सकते हैं। दोस्तों, इस फुटेज में जो आपको पानी वाला एरिया दिख रहा है, ये है पैसिफिक ओशियनिक प्लेट, और जो आपको जमीन वाला एरिया दिख रहा है वो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब आपको इन दोनों ही रीजन्स के बीच में एक बहुत ही छोटी सी जगह दिख रही होगी, जो कि जुआंडी फूका नाम की एक माइक्रो ओशियनिक प्लेट है। अब जुआंडी फूका और पैसिफिक ओशियनिक प्लेट, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने वाली डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं, जिसकी वजह से जुआंडी फूका प्लेट नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा कर उसके नीचे धंसने लगती है। इसे हम साइंटिफिक भाषा में सबडक्शन जोन कहते हैं और इसे ही मेगा थ्रस्ट एरिया भी कहते हैं। अब रिसर्च में ये पता चला है कि ये जो जगह है, ये सीरियस नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी, अर्थक्वेक के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जो धरती का अपर मेंटल है, ये थिक मोल्टेड रॉक से बना हुआ है, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि इस टेक्टोनिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच मौजूद पानी करता है, जो कि एक ल्यूब्रिकेंट की तरह दोनों ही सतह को एक दूसरे के ऊपर फिसलने की अनुमति देता है।
जिसकी वजह से एक फ्लूइड प्रेशर जनरेट होता है। देखिए, फ्लूइड प्रेशर का मतलब ये है जब अपर मेंटर और क्रस्ट के बीच मौजूद पानी बाहर आने के लिए एक फोर्स लगाता है और इस वजह से भूकंप भी क्रिएट हो सकते हैं। और जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो इस रीजन में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से हीट और प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब इस रीजन में बहुत हाई प्रेशर होने की वजह से क्रस्ट और मेंटल के बीच का पानी लो प्रेशर की ओर फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से हमें इन ओशियंस में अलग अलग जगहों पर लीक्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें असल भाषा में ओशियन लीक्स कहा जाता है। अब क्योंकि ये पानी उस रीजन से आया है जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा था, इसी वजह से इस पानी का टेम्परेचर आसपास के पानी से भी ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रीजन का पानी खारा क्यों नहीं होता। दरअसल मेंटल और क्रस्ट के बीच मौजूद ये पानी फ्रेश वाटर होता है, जो कि इस पानी के कंपोनेंट को भी दूसरे ओशियनिक पानी से अलग बनाता है। अब इस बीच प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि जैसा मैंने आपको बताया, पानी दोनों ही सरफेस को एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करने की अनुमति देता है, लेकिन अगर किसी वजह से क्रस्ट और मेंटल के बीच का पानी इस तरह से लीक होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ का पूरा पानी खत्म हो जाएगा और फिर इस रीजन का फ्लूइड प्रेशर कम होता रहेगा और एक टाइम पर यह प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि दोनों ही टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में लॉक हो जाएंगी और फिर इस रीजन का फ्रिक्शन इस हद तक बढ़ जाएगा कि 9 मैग्नीट्यूड का भी भूकंप आ सकता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस लीकेज की वजह से बीच का पानी लगातार खत्म होता जा रहा है, इसीलिए इस रीजन में भूकंप आने के चांसेस 2050 में 37% होंगे और 2100 में 90% तक हो जाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि 22nd सेंचुरी की शुरुआत में हमें मानव इतिहास के सबसे बड़े भूकंप का भी सामना करना पड़ सकता है। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल के हिसाब से सिर्फ 8 मैग्नीट्यूड का ही भूकंप इतनी ज्यादा तबाही कर सकता है कि जितना 1000 हिरोशिमा बम करेगा, और यहाँ पर तो मैं बात कर रहा हूँ 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप की। बट फ्यूचर में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि एक 20 मैग्नीट्यूड का भूकंप हमारी धरती का क्या हाल करेगा तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।